हेलो फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड प्लान का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम करेंगे फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर पोटेंशियल। तो चलिए लेक्चर चालू करते हैं। लेक्चर चालू करने से पहले अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था अपन उसका रिविजन करेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या करा था, सबसे पहले अपन देख लेते हैं लोकेशन, मतलब कि डायरेक्शन कौन सा जो रहता है सब्सटेंस को कैसे जाता है। जो अपन ने पिछले क्लास में टेबल बनाई थी उसका अपन रिविजन करेंगे। डायरेक्शन फॉर्म यानी किस फॉर्म में जाता है। तो सबसे पहले सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं अपने पास, सब्सटेंस है सबसे पहले वाटर। तो वाटर का कैसे होता है, जाइलम से होता है, और जाइलम से अगर हो रहा है तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल और कौन से फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वाटर ऑलवेज इनऑर्गेनिक। फिर सब्सटेंस देख लेते हैं, सबसे पहले सब्सटेंस फूड, उसके बाद काय से होता है फ्लोएम जाइलम, तो ये होता है फ्लोएम से। फिर डायरेक्शन क्या रहती है, तो इसकी डायरेक्शन रहती है फ्लोएम, फ्लोएम में बाय डायरेक्शनल। फिर ये सुक्रोज के फॉर्म में रहता है ऑर्गेनिक। फिर वाटर फूड हॉर्मोन, हार्मोन कैसे होता है जाइलम फ्लोएम से, तो हार्मोन होता है जाइलम फ्लोएम दोनों से। जाइलम फ्लोएम दोनों से, और जाइलम से अगर होता है तो क्या बोलते हैं, इसमें जो हार्मोन होते हैं कुछ होते हैं स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, स्ट्रिक्टली पोलर होता है उनका। तो सम स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, सम स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, और इट कैन बी आइदर यूनी और मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। और हॉर्मोन क्या रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हॉर्मोन रहते हैं ऑर्गेनिक, प्लांट खुद ही बना लेता है हॉर्मोन। इसके बाद मिनरल की बात कर लेते हैं, मिनरल फ्लोएम जाइलम किससे जाता है, जाइलम फ्लोएम दोनों से जाता है। जाइलम फ्लोएम से दोनों से जाता है, और अगर जाइलम से जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनि यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम से जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल। इसके बाद में देख लेते हैं दोनों फॉर्म में रहता है ये, तो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में रहता है क्या रहता है, NO3 2-, ऑर्गेनिक में रहता है तो क्या होता है, जैसे अमाइनो एसिड फॉर्म में चला गया सपोज, है ना। एक तो अपन ने ये देखा था, अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ जाके एक बार वो भी देख लेते हैं रिवीजन, उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अब आगे अपन देखेंगे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहां पे तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। सपोज ये है अपनी एक लीफ, स्टोमेटा, इसके बाद में सपोज ये अपने बना दिया अपन ने मीजोफिल सेल, अपन ने मीजोफिल सेल बनाया, उसके बाद अपन उसके अंदर रहता है क्लोरोप्लास्ट, वो बना लेते हैं। इसके बाद क्या रहता है, थैलाकोइड, जहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। थैलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स, लीफ, ये ऐसा बन गया। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ बनती है, थायलाकोइड के अंदर बनती है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है, फिर यहाँ से बाहर आती है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल से बाहर लीफ में, लीफ से फिर लीफ से बाहर चली जाती है O2। तो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन कहाँ रहेगी, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन रहेगी थायलाकोइड में, जहां पे बन रही है, और सबसे कम कहां रहेगी, आउटसाइड लीफ,
जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, तभी तो ऑक्सीजन कहाँ जा रही, हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। थायराकोइड में हाई रहती है और बाहर क्या रहती है, लो रहती है। ऑक्सीजन थायराकोइड से बाहर की तरफ आती है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही क्या रहता है अपना बॉडी में भी ऐसे ही रहता है, अपने बॉडी में भी जो प्रेशर रहता है ओटू का वो सबसे कम रहता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, टिश्यू के अंदर। तो बॉडी में सबसे कम रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, टिश्यू के अंदर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन यूज हो जाती है और वहां पे कम कंसंट्रेशन रहता है, तो बाहर बाहर से ऑक्सीजन क्या आती है, अंदर आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के अंदर। ठीक है, तो अब अपन लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, अब अपन देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो पा रहा, तो अपने को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मेथड तो लेनी पड़ी। तो सपोज ये है एक सेल, ये सेल है सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है सेल वॉल है, और जो सेल वॉल रहती है वो क्या रहती है, परमिएबल रहती है। क्या रहती है, परमिएबल रहती है, तो सब कुछ अंदर बाहर उससे आ सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में सपोज और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है। ये परमिएबल रहती है, अपन इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे घर में जो लोहे की जाली रहती है उसकी तरह, कि सब कुछ अंदर बाहर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती, कोई बहुत बड़ा ईंटा अंदर बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब कुछ अंदर बाहर आ जाता है। लेकिन उस वजह से जैसे मच्छर भी अंदर बाहर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अपन क्या लगाते हैं, जाली लगाते हैं। जाली में क्या रहता है, हवा अंदर बाहर हो सकती है, सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है, लेकिन मच्छर अंदर बाहर नहीं हो सकते। तो वैसे ही रहता है। अब सपोज जैसे ये लिपिड मॉलिक्यूल है, तो ये तो सीधे अंदर जा सकता है और सीधे बाहर भी आ सकता है। क्यों, लिपिड लिपिड पास हो सकता है सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड लिपिड से बनी हुई होती है, और लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब लिपिड की बनी हुई होती है, तो वो लिपिड की कोई भी चीज को अंदर बाहर आसानी से होने देती है। O2 जो रहती है वो भी अंदर बाहर हो सकती है सिमिलरली आसानी से, H2O भी हो सकती है, ये सब अंदर बाहर हो सकते हैं। अब जैसे सपोज अपन ने ले लिया सोडियम, या अपन ने ले लिया ग्लूकोज, अगर फर्क नहीं पड़ता, चाहे अपन इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर 100 रखें दोनों की और अंदर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज 10 है, तो ये अंदर तो ये बाहर से अंदर तो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, दे विल डिफ्यूज वेरी स्लोली। दे विल डिफ्यूज वेरी स्लोली, बहुत स्लोली इनका डिफ्यूजन होगा। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इनका डिफ्यूजन क्या करवाना पड़ेगा, फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा। ये दोनों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी हुई होती है, और ये दोनों जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए लोग आसानी से मूव नहीं कर पाते। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल टाइप के प्रोटीन के थ्रू प्लेस स्पेशल टाइप के प्रोटीन के थ्रू होता है, और जो प्रोटीन के अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी पानी को चाहने वाला, और एक होता है हाइड्रोफोबिक जो वाटर रिपेलिंग होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से प्यार करता है, वाटर अट्रैक्टिव होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लवर, वैसे हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लवर। तो इसलिए वहां से ये जैसे वाटर सोल्यूबल है, जैसे ये दोनों क्या है सोडियम, और ये दोनों वाटर सोल्यूबल है, तो ये दोनों वहां से बड़ी आसानी से अंदर बाहर हो सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चालू करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज और सोडियम, ये आसानी से कर नहीं सकते, और अगर इनका डिफ्यूजन होता भी है तो ये बहुत स्लो होगा, जैसे वो सालों में बस एक मॉलिक्यूल डिफ्यूज करो। तो अपन क्या करवाएंगे, ये अपन फैसिलिटेट करवाएंगे इनका डिफ्यूजन। कैसे करवाएंगे, इसके लिए चाहिए होते हैं अपने को स्पेशल टाइप के चैनल, जैसे सपोज ये है अपनी लिपिड की बाइलियर, जैसे सपोज ये है अपना ये लिपिड की बाइलियर है। अब लिपिड की बाइलियर है, यहां से क्या हो जा रहा है, जैसे कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल है
तो वो तो यहां से क्या हो रहा है, आराम से अंदर बाहर चले जा रहा है। दूसरी चीजें जैसे वाटर है, O2 है, ये भी आसानी से क्या हो रहे हैं, अपने आप चले जा रहे हैं। लेकिन सपोज सोडियम वगैरह है कुछ है तो वो नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए क्या बनाते हैं अपन, एक चैनल बनाते हैं प्रोटीन का। तो ऐसा अपन ने चैनल बनाया, तो जो अपन ना एनए का मॉलिक्यूल है वो अपन इसके थ्रू पास करवाएंगे, ताकि डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा, जल्दी टेक प्लेस करेगा। और ये क्या है, ये है लिपिड बाइलियर। ये लिपिड बाइलियर है, यहां से आसानी से सोडियम अपना मूव नहीं कर पा रहा, तो अपन ने इसके लिए चैनल लगा दिया। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब जैसे O2 चला गया, H2O चला गया, लिपिड चला गया, किसके लिए होता है, ये हो सकता है वाटर के लिए हो सकता है, गैस के लिए हो सकता है, O2CO2 लिपिड के लिए हो सकता है। और फैसिलिटी डिफ्यूजन जो रहता है इसमें क्या रहता है, अपना चैनल या कैरियर रिक्वायर रहता है। जैसे ये चैनल है, ये क्या चैनल है, तो चैनल या कैरियर अपने को इसमें जरूरत पड़ती है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, सोडियम जो रहता है वो आसानी से मूव नहीं कर सकता, सोडियम जो है वो आसानी से इसके थ्रू मूव नहीं कर सकता, तो अपन क्या करते हैं इसलिए चैनल लगा देते हैं। लेकिन अगर वो एक बार अंदर पहुंच जाए तो वहां पे तो वो अच्छे से मूव कर सकता है, वहां पे उसको कोई एनवायरमेंट की दिक्कत वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, अपन लिपिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे, अपन लिपिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो कैसा रहता है, ये रहता है ऐसा, जैसे ये है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ में अल्फा ग्रुप, ये क्या है, ये है एक फैटी एसिड। ऐसे सिमिलरली एक और फैटी एसिड जुड़ा है अल्काइल ग्रुप, ये भी क्या है, फैटी एसिड। ये जो रहेगा, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये रहता है लिपिड का स्ट्रक्चर। और क्योंकि यहां पे ऐसा फॉस्फेट ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। अब इसको अगर अपन जोड़ेंगे, इसको जब अपन सबको जोड़ेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ओ ओ एच के साथ में ये जोड़ना था तो ऐसे जोड़ा जाएगा, ये सी, फिर सिमिलरली यहां पे यह सब बन गया फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे एक अपन ने जोड़ दिया। अब ये जो ऊपर की ये दोनों चीजें हैं, ये क्या रहती हैं, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल होती है। जैसे सपोज ये लिपिड का एक स्ट्रक्चर अपन बना ले, ये एक लिपिड है, ऐसी लिपिड की एक बाइलेयर रहती है ये अभी अपन ने देखी, और ये वाला पार्ट जो रहता है ये क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक वाले जो पार्ट रहते हैं वो क्या रहता है, हेड हाइड्रोफिलिक रहता है, इसका हेड जो रहता है क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है, और जो टेल रहती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल मतलब वाटर रिपेलिंग, और हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर लविंग हेड। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी लिपिड की बाइलेयर अरेंज रहती है। तो जो अंदर वाला पार्ट है इतना, ये जो अंदर का इतना पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये टेल से बना हुआ है, और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो यहां पे जो रहता है ये हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट रहता है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट। क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट रहता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जैसे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रहता है तो वो आराम से क्या नहीं हो पाता, डिफ्यूज नहीं हो पाता, इसलिए अपने क्या लगाने पड़ते हैं, उसके लिए चैनल लगाने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो एल्कोहल है, ये जब ईस्टर से कंबाइन करता है, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कंबाइन करता है,
तो जब बाइंड करता है तो क्या बनती है, ईस्टर बॉन्ड बनती है। कैसे बाइंड करता है, एस्टर बॉन्ड से कंबाइन करता है। तो अब अपन ने देख लिया, क्या देख लिया, ये लिपिड की बाइलर ऐसी जमी हुई होती है, ऐसे क्या होती है, लिपिड की बाइलर जमी हुई होती है। तो सेल में जो ऊपर और नीचे का तरफ होता है वहां पे पानी होता है, ये लिपिड की बाइलर रहती है। तो यहां यहां क्या होता है, यहां यहां पूरे में पानी रहता है, इसलिए जो बाहर वाला पार्ट रहता है वो क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है, और जो अंदर का रहता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब अपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देख लिया क्या होता है, चैनल रिक्वायर रहता है, क्यों होता है, क्योंकि जैसे पानी और जैसे सोडियम और ग्लूकोज है वो आराम से मूव नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए क्या चाहिए, अपने को स्पेसिफिक चैनल चाहिए, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। अपन फीचर देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या देख रहे हैं अपन, फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये क्या रहता है, इसमें जो चैनल और कैरियर रहता है उससे अपने को पास करवाने के लिए एनर्जी नहीं लगती है, तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये क्या है, पैसिव प्रोसेस मतलब डाउनहिल होता है, नो एटीपी रिक्वायर्ड। नो एटीपी रिक्वायर्ड, लेकिन रिक्वायर क्या चीज होती है, चैनल या कैरियर जिसके थ्रू अपन मूव करवा सकें सब्सटेंस को, जो जो क्या होते हैं, वाटर डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर डिसॉल्विंग। जो चैनल रहता है वो क्या रहता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता है, चैनल इज मेड अप ऑफ क्या का, काय का बना रहता है, प्रोटीन का बना रहता है, चैनल प्रोटीन का बना रहता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर चैनल प्रोटीन का बना हुआ होता है तो उसमें जो सारी प्रॉपर्टी आएंगी वो कैसी रहेंगी, जैसी प्रोटीन की रहेगी। जैसे सपोज टेबल है, टेबल लकड़ी की बनी हुई हुई लकड़ी की बनी है, और जो पेड़ रहता है वो भी क्या रहता है, लकड़ी का रहता है। तो जैसे उस पेड़ की जो लकड़ी की प्रॉपर्टी रहेगी वही तो टेबल की प्रॉपर्टी रहेगी। अगर वो पानी सोख लेता है तो ये टेबल भी क्या करेगी, पानी सोख लेगी। तभी सर्दियों में क्या होते हैं, जो लकड़ी के दरवाजे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ये प्रोटीन का बना हुआ होता है तो ये क्या दिखाएगा, इसको ऐसे याद रख लो, SSI, एस से सिलेक्टिविटी स्लैश स्पेसिफिसिटी, मतलब अगर सोडियम का चैनल है तो उससे बस सोडियम जाएगा, उससे कोई और चीज नहीं जा सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चैनल जो है वो दो चीज, दो या तीन, दो या उससे ज्यादा चीजों का बना हुआ हो, तो दो या उससे ज्यादा चीजें एक बार में जा सकती हैं। जैसे सपोज ये चैनल है, अगर ये सिर्फ सोडियम का चैनल है तो सोडियम के अलावा और कुछ नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये सोडियम और ग्लूकोज का चैनल है तो सोडियम और ग्लूकोज चले जाएंगे, उनके अलावा कोई चीज नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब अब एक पॉइंट के बाद में अगर सारे चैनल ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं, सारे ये चैनल ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं, उसके बाद में अगर अपने को रेट बढ़ाना है तो ग्रेडियंट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, चैनल बढ़ाने पड़ेंगे। तीसरा क्या रहता है, इनहिबिशन। ये जो तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, ये काय की प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन की, और जो चैनल बना है वो काय का बना है, चैनल प्रोटीन का बना है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी चैनल के लिए भी रहेंगी। इनहिबिशन मतलब जैसे सपोज इस पे कोई इनहिबिटर आके बाइंड कर गया, इसका शेप बिगाड़ गया, तो फिर ये काम का नहीं रहेगा, इससे फिर सोडियम नहीं जा पाएगा, अगर ये सोडियम का चैनल है तो फिर सोडियम नहीं जा पाएगा। इसके बाद में एक और पॉइंट, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब अपन चाहे तो चैनल को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, कुछ चैनल को बंद कर सकते हैं, कुछ चैनल को खोल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, सारे चैनल को नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल वाली प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब कंट्रोल अपने को कुछ चैनल को करा जा सकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अब अपन क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी को समझ लेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन देखें, सिलेक्टिविटी,
सिलेक्टिविटी में क्या था कि जो चैनल रहता है वो क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। हाँ, अब और चैनल जो रहता है वो सिलेक्ट कैसे करता है कोई भी एक स्पेसिफिक चीज को, जैसे सबको सोडियम का अपने चैनल बनाया तो इसको कैसे पता यहाँ पे सोडियम का मॉलिक्यूल आया है, ग्लूकोज का नहीं आया, ये इन दोनों डिफरेंशिएट कैसे करता है, तो वो कैसे करता है, शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करता है। अगर सिर्फ सोडियम का चैनल है तो सोडियम का बस जाएगा, उस शेप के अकॉर्डिंग चैनल बना हुआ रहेगा, ऐसा बना रहेगा कि उससे ग्लूकोज ना जा पाए। अगर सोडियम और ग्लूकोज का है तो इस हिसाब से बना रहेगा कि सोडियम और ग्लूकोज बस जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी मतलब चैनल्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। अब दूसरा होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब कि सारे जो चैनल्स हैं वो मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहे हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में मैक्सिमम स्पीड से काम कैसे हो सकता है, जब सारे चैनल काम कर रहे हैं, उसके बाद में अगर अपने को और स्पीड बढ़ानी है तो बस चैनल के नंबर बढ़ाने से होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ होता है उसमें चैनल की जरूरत पड़ती है, तो कैसे ग्राफ बना सकते हैं, सपोज ऐसा नहीं, ऐसा बना सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहां पे क्या हो गया, सैचुरेशन अचीव्ड, सैचुरेशन अचीव्ड, और यहां पे इस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहां पे क्या है, चैनल का नंबर, यहां पे क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लिख लो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट, तो यहां पे क्या हो रहा है, सैचुरेशन अचीव मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स आर वर्किंग, क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स काम कर रहे हैं। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के केस में ऐसा नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन का सपोज ऐसा ग्राफ बनाए तो यहां पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाते जाओगे तो इस एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब तीसरा क्या था प्रॉपर्टी, इनहिबिशन, एस एस आई में आई से होता है इनहिबिशन। तो जैसे सपोज ये चैनल है, लिपिड की बाइलेयर है आजू बाजू, और यहां पे सपोज एक इनहिबिटर बाइंड कर गया, ये इनहिबिटर है तो केमिकल इनहिबिटर है, ये चैनल पे अगर अटैच हो जाता है तो ये क्या होगा, यहां से जो भी चीज जानी थी मॉलिक्यूल कांट मूव, क्यों मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि सपोज उसने उसका शेप बिगाड़ दिया, सपोज ऐसा नॉर्मल शेप था तो उसने उसका शेप ऐसा कुछ करके बिगाड़ दिया, अजीब सा कर दिया, तो यहां से क्या हो रहा है, अब यहां से ये नहीं जा पाएगा, तो ये क्या होता है, इनहिबिशन होता है। पेन किलर भी कैसे ऐसे काम करती है। उसके बाद में जो था कंट्रोल वाली प्रॉपर्टी, कंट्रोल वाली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, कंट्रोल, तो कंट्रोल में क्या रहता है, जैसे अपन सपोज चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सपोज ये है लिपिड की बाइलेयर, ये मैंने क्या बना ली, लिपिड की बाइलेयर बना ली, और ये सपोज एक चैनल है, और चैनल के ऊपर क्या है, ऐसे कोई सपोज लिड लगी हुई है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज अगर ग्लूकोज यहां से नॉर्मली जा सकता है, ये खुला हुआ है, यहां से क्या हो रहा है, ग्लूकोज की नॉर्मली एंट्री हो जा रही है आराम से, लेकिन सपोज अपन हार्मोन के थ्रू इस चैनल को क्या कर सकते हैं, ऐसे खुला हुआ है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करके बंद कर सकते हैं, काय के थ्रू, हार्मोन के थ्रू, ये बंद हो जाएगा तब यहां से ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी, तो कंट्रोल ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, टाइप चैनल के, ठीक है।
तो अपन क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ चैनल। तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है अपना, यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब कि बस एक डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे सपोज ये है ग्लूकोज का चैनल, ये यूनिपोर्ट है, यहां से क्या हो रहा है, वन वे हो रहा है ग्लूकोज का। तो और यहां से सिंगल सब्सटेंस मूव कर सकता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, यानी डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, एटीपी नहीं लगेगी। दूसरा टाइप का जो होता है वो क्या होता है, यूनिपोर्ट के बाद सिंपोर्ट। सिंपोर्ट में क्या होता है, दो चीजें एक साथ जा सकती हैं। जैसे सपोज ये एक चैनल है, तो यहां से अगर ग्लूकोज भी जा रहा है, सोडियम भी जा रहा है, ये क्या होता है, सिंपोर्ट होता है। और जो तीसरा टाइप होता है वो क्या होता है, एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट यानी एक चीज एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी चीज दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। एनए ऐसे जा रहा है, ग्लूकोज ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, एंटीपोर्ट हो जाता है। सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट जो है वो काय के टाइप है, को ट्रांसपोर्ट के टाइप है, एक साथ दो चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे दो तरह के हो सकते हैं, सपोज यहाँ पे 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्रेडियंट रहेगा इसको क्या बोलते हैं, केमिकल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, केमिकल ग्रेडियंट। और दूसरा रहता है यहाँ पे 100 काय के मॉलिक्यूल है सोडियम के हैं, और यहाँ पे क्या है, 10 है सोडियम के। ये जो रहता है ये आयन है, चार्ज आयन है, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जब कितनी पड़ेंगी, तो वहां पर आएगा कि जैसे सपोज ग्लूकोज जा रहा है, तो ग्लूकोज जा रहा है तो उसके साथ में एक्टिवली, अगर जैसे सपोज ग्लूकोज जा रहा है तो एक्टिवली उसके साथ में क्या आ जाएगा, एक्टिवली उसके साथ में कोई पॉजिटिव आयन आ जाएगा। जैसे सपोज सोडियम आ गया एक्टिवली, यहां पे एटीपी खर्च हो गया। अब अगर पॉजिटिव आयन चला गया तो चार्ज इम्बेलेंस हो जाएगा, तो चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए उसके साथ में कोई नेगेटिव आयन चला जाएगा। जैसे सपोज क्लोरीन चला गया, तो ये कैसे चला जाएगा, पैसिवली जाएगा। ये कैसे जाता है, पैसिवली चला जाता है। अब अगर ग्लूकोज चला गया तो उसके पीछे क्या चला गया, एक्टिवली क्या चला गया, सोडियम चला गया। और चार्ज इम्बेलेंस ना हो तो चार्ज को बैलेंस बनाए रखने के लिए उसके साथ में क्या चला गया, क्लोरीन चला गया। अब क्लोरीन और ये चला गया तो इसके पीछे पीछे क्या आ जाता है, ये आयंस के पीछे पीछे आ जाता है H2O। ये जब अपन किडनी पड़ेगी तो बच्चे समझ में आएगा। अब अपन एक स्पेशल चैनल के बारे में देख लेते हैं, स्पेशल चैनल जिनका नाम क्या रहता है, पोरेंस। स्पेशल चैनल्स, इनका नाम क्या रहता है, पोरेंस। तो जो स्पेशल चैनल रहते हैं पोरेंस, ये कैसे रहते हैं, जैसे सपोज ये मैंने बनाया सेल, ये सेल के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर देख के पहचानो, खैर बहुत ही खराब बना, नहीं पहचानोगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में सपोज क्या लगे हुए हैं, कुछ जगहों पे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है चैनल या कैरियर, सपोज यहाँ पे एक और लगा हुआ है, ये चैनल या कैरियर लगा हुआ है। अब सपोज ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद में सपोज ये है प्रोटीन, न्यूक्लियस बना लिया, प्रोटीन बना लिया। प्रोटीन सपोज यहां से ऐसे अंदर जा रहा है, प्रोटीन ऐसे अंदर जा रहा है, और ये क्या है, पोरेंस। और ये प्रोटीन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। और अच्छा, ये पोरेंस क्या चीज होती है,
अपन स्पेशल चैनल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुनस्ते पुनस होते क्या हैं, दीस आर लार्ज साइज, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दीज आर लार्ज साइज चैनल्स, ये होते हैं क्या बड़े साइज के चैनल, जो कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और कहाँ होते हैं, एंड इन सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कहाँ होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या होती हैं चीजें, ये होती हैं पोरिंस, ये होती हैं पोरिंस। अच्छा ये जो होते हैं, जहां से क्या हो रहा है, ये जो प्रोटीन है ये क्या हो रहा है, ऐसे पोरिन से कहाँ आ रहा है, चैनल से, ये कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ जा रहा है, कहाँ के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके पास उनका खुद का डीएनए होता है, काफी प्रोटीन वो खुद बना लेते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके क्या पास क्या होता है, इनके पास होता है इनका खुद का डीएनए, और ये जो इनके पास खुद का डीएनए होता है और ये क्या कर लेते हैं, कई प्रोटीन अपनी खुद बना लेते हैं, पर इनको कुछ प्रोटीन चाहिए रहती हैं न्यूक्लियस से, जैसे कि क्या था, जो बाहर से अंदर आती हैं पोरस के थ्रू, तो पोरस का क्या काम होता है, ये काम होता है कि बाहर से अंदर ऐसी कोई प्रोटीन ले आना जो ये लोग खुद बना नहीं पा रहे, कौन क्या, कौन कौन नहीं बना पा रहे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना पा रहा, क्लोरोप्लास्ट नहीं बना पा रहा, और क्या नहीं बना पा रहे, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं बना पा रहे, ठीक है। अब एक और स्पेशल प्रोटीन होती है, अनदर स्पेशल प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन, वाटर चैनल्स, एक्वापोरिन क्या होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं, एक्वापोरिन जो होते हैं ये बनते हैं आठ टाइप की एक्वापोरिन से, जैसे सपोज ये है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे कुछ आठ टाइप की स्पेशल प्रोटीन रहती हैं, इससे क्या बनते हैं, ये बनता है स्पेशल एक्वापोरिन, आठ टाइप की स्पेशल प्रोटीन से एक्वापोरिन बनता है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां से क्या होता है, पानी के डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि जो जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू लिपिड, ऑक्सीजन, वाटर तो आराम से डिफ्यूज कर ले रहे हैं, लिपिड आराम से डिफ्यूज कर ले रहा है, O2 आराम से डिफ्यूज कर ले रहा है, H2O वाटर यानी वाटर आराम से डिफ्यूज कर ले रहा है। अपन ने तो चैनल बनाए थे काय के लिए बनाए थे, सोडियम के लिए बनाए थे, और सोडियम के लिए, ग्लूकोज के लिए, और जो चीजें जो वाटर डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, उनके लिए बनाया था, जो आसानी से जा नहीं पा रहे थे, तो एक्वापोरिन क्यों बनाए, एक्वापोरिन वाटर वैसे तो चला जाता है ऑस्मोसिस से आराम से, लेकिन अगर वाटर को और तेजी से अपने को भेजना हो तो उसमें क्या काम आती है, उसमें एक्वापोरिन काम आती है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको चाहिए रहता है पंप, ऑब्वियस बात है पंप क्यों चाहिए, क्योंकि ये हो रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तभी तो अपने को एनर्जी देनी पड़ रही, तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और पंप क्या काम करता है, जो चीज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपन कर रहे हैं उसमें पुश करने में मदद करता है, जैसे सपोज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं एन के, यहाँ पे है 10, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता तो ऐसे जाता, लेकिन ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ऐसे नहीं जाएगा, ये होएगा यहां से ऐसे जाएगा, और ऐसा कैसे हो रहा है, ये भी चैनल ही है, लेकिन अब इसको चैनल को क्या बोलेंगे, नाउ दिस चैनल इज कॉल्ड पंप, अपन चैनल को क्या बोलेंगे, पंप बोलेंगे, और ये क्या काम हो रहा है अपना, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अब ये काम हो रहा है, और क्योंकि ये काम अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है, एटीपी
एडीपी प्लस फॉस्फेट इसमें टूट जा रहा है, जहां पे क्या हो रहा है एनर्जी इज स्पेंट, एनर्जी स्पेंट हो रही है। और ये जो पंप है ये काय का बना है, प्रोटीन का बना है, और अगर ये चीज प्रोटीन की बनी है तो ये क्या दिखाएगी, एस एस आई और सी कंट्रोल सिलेक्टिविटी, इसमें भी सिलेक्टिविटी रहती है, सोडियम का पंप है तो बस सोडियम को फेंकेगा, ग्लूकोज को नहीं फेंकेगा, सैचुरेशन, सारे पंप काम करने लग जाएं तो फिर क्या करना पड़ेगा, पंप का नंबर बढ़ाना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए, इनहिबिशन, इसमें भी अपन कोई हार्मोन इस पे बाइंड कर सकते हैं इसका शेप बिगाड़ने के लिए, इनहिबिशन और कंट्रोल, इसको भी क्या कर सकते हैं अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपन ने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट बनाए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसके लिए एक टेबल भी बना देते हैं। तो यहाँ टेबल में अपन क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके बाद जो में क्या लिखेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में क्या लिखेंगे सिंपल डिफ्यूजन के लिए मैं सीधे एसडी लिख दे रहा। तो अब अपन क्या करेंगे, ऐसे एक अपन बनाएंगे टेबल, इस टेबल में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये थोड़ा और ऊपर, अब ठीक है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहां पे क्या एक्टिव है या नहीं, एक्टिव मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड तो क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, लगती है, तभी एक्टिव नाम है, इन दोनों में नहीं लगती है। अपहिल, अपहिल तो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही हो गया, डाउनहिल कौन कौन से, इसके अपोजिट हो जाएगा डाउनहिल, क्या हो जाएगा डाउनहिल हो जाएगा, इसमें एनर्जी ये डाउनहिल नहीं होता, ये दोनों डाउनहिल होते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसमें एस एस आई होता है, थर्ड पॉइंट एस एस आई किस किस में होता है, ये वाला सिलेक्टिविटी के लिए, ये है सैचुरेशन के लिए, इनहिबिशन, तो सिलेक्टिविटी क्या ये सिलेक्टिविटी होती है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, होती है, इसमें भी होती है, इसमें सिलेक्टिविटी नहीं होती है। सैचुरेशन क्या होता है और इसमें नहीं होता सैचुरेशन। इनहिबिशन इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें इनहिबिशन कैसे करोगे। स्पेशल प्रोटीन, क्या स्पेशल प्रोटीन चाहिए होती है, जी हाँ इसमें बिल्कुल चाहिए होती है, स्पेशल प्रोटीन पंप बोलते हैं, इसमें भी चाहिए होती है, इसमें कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं चाहिए होती। तो क्या हो गई अपनी एक टेबल तैयार हो गई। अपन बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट के बारे में, तो मिसलेनियस पॉइंट तो इसमें ज्यादा है नहीं। सबसे पहले तो मोएटी मतलब क्या होता है, मोएटी मतलब होता है अटैचमेंट, इसके बारे में बात कर लें कि सैप का मतलब क्या होता है, तो सैप का मतलब होता है इट मीन्स वाटर में कुछ डिजॉल्व होना, कुछ डिजॉल्व होगा, When something is dissolved in water, then it is known as sap. जैसे कि suppose शक्कर मिला दी तो वो sap बोलेंगे, पानी अपन ने कुछ dissolve कर दिया, it in water कुछ dissolve. तो ऐसे similarly xylem sap क्या होता है, अपन ने क्या करा, water plus mineral जो होता है वो क्या होता है xylem sap होता है, similarly phloem sap भी होता है। चीफ फ्लोएम से क्या होता है अपना फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए क्या होता है शुगर होता है। आज का लेक्चर इतना ही था, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।